फजीलत वजीर, ये दो बंदे फजीलत से साहब दो कुले दो दो रगती कुले कुड़ी दी के संग द दो डिवाइस न अलाइन है खुशबू मुदस्सिर मोहम्मद न शिरवान रुमैसा सिमरिंग बलोच सुंद सैफ उन तलत कियानी। अच्छा यार वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो एक तो क्लास थोड़ा सा शॉर्ट होगा, दूसरी बात यह कि आवाज़ मेरे थोड़ा स्लो होगा क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता, और क्लास में मिस नहीं करना चाहता था क्योंकि आपका टाइम क्रूशल है, एग्ज़ाम सर पे है। ठीक है, मैं तो अपने लैपटॉप या मोबाइल जो भी आप जहाँ पे भी आप बैठे हैं तो थोड़ा सा इनका वॉल्यूम बढ़ा दे, क्योंकि मेरा वॉल्यूम जो है ना आज नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, यानी हाउ यहाँ पे अच्छा मेरी आवाज आप सबको आ रही है? मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, तेज नहीं बोल सकता। ठीक है, तो आवाज जो मैं बोल रहा हूँ तलत मतलब सबको सही आवाज जा रही है ना, किसी को तो इश्यू नहीं है? अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आप सबको बता दूं, मुझे आप सबके मैसेजेस आते हैं लेकिन मैं सबको रिप्लाई करना टाइम पे मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है रिप्लाई करना सबको, अगर किसी को मैं टाइम पे रिप्लाई ना दूँ तो माजरत है, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि इवन यूं समझ लो कि मेरे अपनी भाई के मैसेजेस, वो भी अभी अम्मी की कॉल मुझे आई थी कि तुम्हारा भाई कह रहा है कि ये मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, मैंने इसको सुबह मैसेजेस किए रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे तुम, तो यूं बात यहाँ तक पहुंची है। समझ लो कि मैं भाई को अगर रिप्लाई नहीं दे सकता टाइम पे तो तुम लोगों को भी नहीं दे सकता। ठीक है, मेरा कोई भाई नहीं है ना मेरी कोई बहन है जो मैं आपको मतलब अपने भाई को मैं नहीं दे सकता। अच्छा कौन है तुम्हारा टीचर जो ये बोलता है? साहिलीन खटक? यार ये बड़े मेरे अजीब अजीब से नाम से मैं गुजर रहा हूँ जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट की है, अजीब का मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपका नाम कोई खूबसूरत आपका नाम है, अजीब नाम का मेरा मकसद ये कि पहली दफा मैं ये नाम सुन रहा हूँ, जिस तरह उस दिन एक नाम था मैं वो भी भूल गया। अच्छा नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आपका नाम खराब है, आपका नाम बहुत प्यारा है लेकिन मेरे लिए नया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको टॉपिक की तरफ आता हूँ, तो पढ़ते हैं हम थोड़ा सा क्लास, थोड़ा सा शॉर्ट क्लास होगा। मेरा गला बहुत खराब है, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों का टाइम खराब ना हो, तो मैं क्लास थोड़ा शॉर्ट होगा, तो क्या कहते हैं उसे लेकिन होगा जरूर। मैंने आपको 18th अमेंडमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, साहिलीन। अच्छा ठीक है सही है, बस मुझे पता ढूंढ लो। अच्छा एनी हाउ इस नाम का माना क्या है? चलो हम पढ़ने लग जाते हैं 18th अमेंडमेंट। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था
जब मैं 16th अमेंडमेंट में पढ़ा रहा था, उसका पूरा बैकग्राउंड। अच्छा, ठीक है, अच्छा माना है। अच्छा, मैं आपको कल भी जब पढ़ा रहा था तो मैंने 18th अमेंडमेंट स्टार्ट किया था, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे और मैंने इसका बैकग्राउंड भी बताया था। रिवाइज तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि मैं अब लोगों को पढ़ा दूंगा दोबारा, जो लोग कल नहीं थे और जो मिसिंग थे। ठीक है, इसका मीनिंग है खूबसूरत। जवीरिया पूछ रही है कि इस नाम का माने क्या है, तो इस नाम के माने हैं खूबसूरत। एनी हाउ, उस पे एक शेर भी है। अब छोड़ो, नहीं बोलता यार। अच्छा, एनी हाउ, तो आज हम पढ़ेंगे 18th अमेंडमेंट के कुछ पॉइंट्स हमारे रहते थे। मैंने आपको प्रोविंशियल इश्यूज बताए थे। अब हम पढ़ते हैं कि 18th अमेंडमेंट में लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी भी दी गई थी। कुछ पॉइंट्स मिसिंग होंगे, वो मैं आपको फिर पढ़ा दूंगा, लेकिन जो मैं अभी पढ़ाता हूँ, आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि हम बीच में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंशन ना लो। या खुदा, अच्छा, लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी। ठीक है, लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी कैसे दी गई थी प्रोविंसेस को, थोड़ा तो सा बैकग्राउंड में बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद समझ ना आ जाए। मैं इन लोगों को पढ़ा रहा था 18th अमेंडमेंट। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स है, 18th अमेंडमेंट मैंने उनको बताया। फिर मेजर काम यही हुआ है कि उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है। क्या दिया है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबों को खुद मुख्तार बनाया हुआ है। और आपको पता है, जो 18th अमेंडमेंट का क्वेश्चन है ना, 18th अमेंडमेंट 2010 में हुआ है, और 2010 से लेकर 2023 तक इस तरह का कोई साल नहीं गुजरा कि क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स में ना हो। या तो पाकिस्तान अफेयर्स में होगा, या करंट अफेयर्स में होगा, या पोल साइंस में होगा। किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस साल तो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविंशियल अटोनमी जो है वो दी गई थी 18th अमेंडमेंट में। फिर हमने कल पढ़ा प्रेसिडेंट से कौन कौन से पावर लिए गए। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स कौन से दिए गए। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा के प्रोविंशियल इश्यूज, ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम चौथा पढ़ते हैं और उसका नाम है बाई लेजिस्लेटिव अटोनमी। ठीक है, लेजिस्लेटिव अटोनमी। लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी में सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट ऑफ, मैं समझाऊंगा आपको, कंकरेंट लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स फॉर सब्जेक्ट्स वाज एबोलिश्ड। अच्छा, कैसे हुआ? यूं था कि 18th अमेंडमेंट से पहले कैसे लिस्ट हुआ करते थे? कितने लिस्ट? तीन लिस्ट। एक हुआ करता था प्रोविंशियल लिस्ट, एक होता था फेडरल लिस्ट, एक होता था कंकरेंट लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट में वो चीजें होती थी, वो सब्जेक्ट्स होते थे जिस पे सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस लॉ बना सकती थी, इसमें फेडरल का कोई काम नहीं था। फेडरल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते थे, वो चीजें होती थी जिस पे सिर्फ फेडरल लॉ बना सकती थी। कंकरेंट लिस्ट में मैक्स चीजें थी, मैक्स
जिस पे प्रोविंस भी लॉ बना सकती थी, फेडरल भी लॉ बना सकती थी। लेकिन अगर एक इशू होता था और इस इशू में प्रोविंस चाहता था कि एक तरह की लॉ बन जाए, सेंटर चाहता था कि दूसरी की तरह की लॉ बन जाए, तो सेंटर की बात मानी जाती थी। ठीक है, ये था 18th अमेंडमेंट से पहले का सिनारियो। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही 18th अमेंडमेंट पास हुआ, तो कंकरेंट लिस्ट को एबोलिश किया गया, खत्म किया गया। ठीक है, जब खत्म किया गया फिर क्या हुआ? सिर्फ एक लिस्ट जोड़ा, उस लिस्ट का नाम था फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। क्या? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। मैं आपको बताऊंगा कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में क्या चीजें हैं। इनमें वो सब्जेक्ट थे कि जिस पे फेडरल लॉ बना सकता है, उसके अलावा जितने भी चीजें होंगी उस पे लॉ बनाएगी प्रोविंसेस। मैं आपको भी लिखने लगा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फेडरल लिस्ट में, और ये काम हुआ आर्टिकल 70 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के करंट करंट लिस्ट को इबोलिश किया गया। लेजिस्लेटिव लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ फेडरल लॉ बनाएगा, और उसके अलावा जो भी चीजें होगी ना उस पे प्रोविंसेस लॉ बनाएगी। तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कौन कौन सी चीजें थी? डिफेंस, फॉरन अफेयर्स, सिटीजनशिप, पोस्टल करेंसी, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, न्यूक्लियर एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंज, रेलवे, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी, सेंसिस मर्दमशुमारी, पुलिस एंड HEC हायर एजुकेशन कमीशन। ये जो चीजें थी ना भाई, इस पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारे प्रोविंसेस के अंडर आ जाएंगे। फिर आप पूछेंगे सर के यार कौन कौन सी है? मैं बोलूंगा एजुकेशन, मैं बोलूंगा हेल्थ, मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं बोलूंगा सेल्स एंड टैक्स सर्विसेज। ठीक है ना, बस इन चीजों के अलावा जितनी भी चीजें हैं ना वो भाई सारे के सारे स्पेन ऑफ प्रोविंसेस लॉ बनाएगी। मेरी आवाज आपको पहुंच तो रही है ना? ऐसे ठीक है, ओके फाइन। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा दूसरा, एक तो फिर एक तो लेजिस्लेटिव लिस्ट खत्म हुआ ना, इसका मतलब ये है कि एक लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी दी गई प्रोविंसेस को। ठीक है, क्या दी गई? लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी। दूसरा पॉइंट भाई, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई। कैसे? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में भाई दो चीजें हो गई। दो चीजें हो गई,
सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। जो सेल टैक्स था ना सर्विसेज पे, जो सेल टैक्स था ना, ये भी प्रोविंसेस को दिया गया। अब पूछेंगे सर कि सेल टैक्स सर्विसेज पे सेल टैक्स कौन सा होता है? आप लोग कभी होटल गए हो? होटल स्पेशली इस्लामाबाद में, यार अजीब सा यहाँ पे इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। हमने खाना खाया उस दिन, कमरान कितने का खाया था हमने खाना? मुझे बिल बताओ। शाबाश कमरान, 18,000 का। मैं लिख ही रहा था 18। ठीक है, हमने 18,000 का खाना खाया। इस पे पैसे आए थे, आई थिंक जो सेल टैक्स लगा था ना वो 15% लगा था, तो कोई 3,000 इस पे हमने उसमें हमसे टैक्स लिया। मतलब ये है कि जो 15,000 थे इनका बनता था, 3,000 हुकूमत के खाते में चले गए और 15% कर दिया गया। ठीक है, 17 से 15% पे आया है, पहले 17 था। ठीक है, अच्छा हाँ, कार्ड हम यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड से तो फिर नहीं काटते। ये मेरा दोस्त मुझे कल कह रहा था कि आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपसे टैक्स नहीं काटा जाता। यानी हाँ, इतने मालदार हम हैं नहीं कि हम क्रेडिट कार्ड लेकर घूमें, हम तो गरीब लोग हैं भाई, हमारे पास इतने पैसे तो होते नहीं है। ठीक है ना, तो इन पे इतना, तो जो सेल टैक्स था ना, क्लास में शार्ट देखा 20-30 मिनट के रिगार्डिंग रिगार्डिंग समझ ना। तो ये जो सेल्स एंड टैक्स था ना, ये भाई दिया गया प्रोविंसेस को, क्योंकि प्रोविंसेस अपना टैक्स कलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके लिए पंजाब रिवेन्यू अथॉरिटी बनी, वहां पे सिंध रिवेन्यू बोर्ड बना सिंध में, इसी तरह डिपार्टमेंट्स बन गए। अच्छा, एक तो ये प्रोविंशियल, ये पहले थी फेडरल के साथ, अब मिल गया भाई प्रोविंसेस को। ठीक है, तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमारे पास आई 18th अमेंडमेंट के बाद। छोटा पॉइंट, दूसरा पॉइंट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पहला पॉइंट मैंने बयान कर दिया, दूसरा पॉइंट। अच्छा, आर्टिकल नेशनल फाइनेंस कमीशन तो सबको पता होगा, आर्टिकल 160 के अंडर आता है। ठीक है, आर्टिकल 160 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म था ना, नेशनल फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? मैन का काम होता है फंड रिलीज करना, पैसे देना सेंटर को, मतलब इस्लामाबाद को एंड प्रोविंसेस को, केपी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। ठीक है, अब आप सर ये पूछेंगे कि सर ये कश्मीर को कौन देता है और गिलगित को कौन? कश्मीर गिलगित दोनों जो है ना, ये इसको इस्लामाबाद को जो पैसे मिलते हैं ना सेंटर को, वो अपने पैसों में से फिर गिलगित को भी देते हैं और कश्मीर को भी देते हैं। ठीक है, या भी फंड रिलीज करते हैं। हुआ ये कि इसमें 47.5% भाई मिलेगा, सॉरी 42.5% मिलेगा सेंटर को, 57.5% मिलेगा प्रोविंसेस को। ठीक है, ठीक है, जो फंड जो आपने टैक्सेस कलेक्ट किए हैं ना, उनमें से 42.5 बर्गर्स के लिए 42.5% मिलेगा इस्लामाबाद को,
सेंटर को और 57.5 मिलेगा प्रोविंसेस को, ठीक है। अब इनकी इससे पहले 18th अमेंडमेंट से पहले इस्लामाबाद को ज्यादा मिलते थे पैसे, प्रोविंसेस को कम मिलते थे। अच्छा, जब ये 57.5 मिलता है ना प्रोविंसेस को, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? हमारा जो सबसे बड़ा भाई है पंजाब साहब, इनमें से 51.74 लेता है। उसके बाद उससे जो बड़ा भाई है वो लेता है भाई 24.55%, और केपीके साहब को मिलता है 14.62%, और बलूचिस्तान साहब को मिलता है सबसे छोटा भाई 9.09%, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे कि सर पंजाब को इतना ज्यादा क्यों मिलता है। मेरा एक दोस्त है, मुझसे एक दिन बड़ा परेशान था, बड़ा मैं पूछा यार कि मसला क्या है। उन्होंने मुझे बड़ी अजीब बात की, टाक करके दिल पे लगी। तो एनएफसी का बताता हूं ना, थोड़ा सा सब्र करें। अच्छा, वो ठाक करके ना मेरे दिल पे लगी, तो बड़ा परेशान बैठा था। मैंने कहा कि यार परेशान क्यों हो? तो कहते हैं आपको पता है जो सबसे बड़ा भाई होता है ना फैमिली में, वो होता है माँ का फेवरेट। सबसे छोटा होता है ना, वो होता है अब्बा का फेवरेट। और जो बीच के होते हैं ना, वो कच्च कबाड़ होते हैं। मुझे तो समझ आ गया कोई बीच वाला था। चलिए सर जी, हालात वाकयात। अच्छा, तो पंजाब वाले मजे में है यहाँ पर 51.74% मिलती है, क्योंकि सिर्फ अम्मी जो है ना उनसे ये खुश है, माँ का फेवरेट है। और जो माँ का फेवरेट होता है ना, वो भाई फिर उसके मजे ही मजे। हाँ, यहाँ पे किसी ने पूछा मुझसे कि एनएफसी का काम क्या होता है, तो भाई एनएफसी का यही काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ठीक है, पैसे देना, ठीक है ना। बीच वाले जो है वो किसी के फेवरेट नहीं होते। अच्छा, अब होता क्या है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर पंजाब को इतने ज्यादा क्यों मिलते हैं। असल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉवर्टी, रेवेन्यू कलेक्शन, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं ये समझाता हूं, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी इसी जो है ना 82%, 82% फॉर बर्गर्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के लिहाज से होता है, गुर्बत के लिहाज से 10.3% होता है, रेवेन्यू कलेक्शन 5% होता है, और इंडियन क्या कहते हैं उसे, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी 2.7% होता है, ठीक है। चूंकि पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और 82% हमने ये थ्रेशोल्ड रखा है, पॉवर्टी का 10.3% रखा है। अभी इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ बर्गर्स को समझ नहीं आएगी, तो मैं इसको समझा दूं, ठीक है। वो ये है कि इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी ये है
कि आपको पता है कि डिजास्टर आते हैं कि नहीं आते पाकिस्तान में, अर्थक्वेक आते हैं कि नहीं आते, फ्लड्स आते हैं कि नहीं आते, इनमें जो लोग डिस्प्लेस होते हैं ना, डिस्प्लेस, इनके लिए 2.7% बचा के रखते हैं कि उनके लिए हम फिर शटर का प्रोग्राम करेंगे, फूड का प्रोग्राम करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप कि मैंने समझा दी आपको कि नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या करता है। अच्छा, उसके बाद जुडिशियल एंड लीगल साइड्स पे भी, जुडिशियल एंड लीगल साइड्स पे भी चेंजेस किए गए, चेंजेस किए गए। सबसे पहले और मेरा फेवरेट आर्टिकल 6 में चेंजेस किए गए। आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अमेंडेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इट्स एबोलिशमेंट। ठीक है, अच्छा जी हाँ, गद्दारी पे लगाते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, मजे की बात ही है कि जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1958, गौर से सुनना है, मेरा गला खराब है, मेरी तबीयत बहुत खराब है आज, किसी ने ये बोला ना कि रिपीट करो उसका मेरे मुंह तोड़ देना है। ठीक है, साफ साफ बोल रहा हूं, गौर से सुनना है। अच्छा, जब 1956-58 में भाई माशाल्लाह लगा और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया, हमने कहा ठीक है भाई, हम भी देखते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख लिया, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करेगा तो उस पर हाई ट्रीजन आएगा। हाई ट्रीजन बोलते हैं गद्दारी को, और उसकी सजा होगी फांसी। ठीक है, क्या होगी, फांसी। अच्छा, 1969 को फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो था, असेंबली डिसॉल्व हुआ और वो कहानियां खत्म हुई। तो हमने, अच्छा एक चीज और याद रखना, हाँ, वही आपके पास इलम कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, सॉरी 1962 नहीं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा कि भाई जो सस्पेंड करेगा उस पे हाई ट्रीजन आएगा, आर्टिकल 6, उसको फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। ठीक है, अब जब 1977 में जियाउल हक साहब ने मार्शल ला लगाया, यार इसको लिखना नहीं, इसको सिर्फ सुनना है। ठीक है, कहानी है, उसके बाद मैं तुम्हें जो लिखने की चीज है ना मैं बाद में बताऊंगा, तो जब सिर्फ सुनो। जब जियालग साहब ने मार्शल ला लगाया और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया, ये जब कोर्ट में गया तो उनसे पूछा कि भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह सस्पेंड किया है, क्योंकि सजा तो फांसी थी।
उम्र कैद था, तो ज़ियाउल-हक़ साहब बड़ा ना बड़ा होशियार बंदा था। उन्होंने डिफेंस में कहा कि भाई मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको मैंने सस्पेंड नहीं किया है, मैंने क्या किया, मैंने एब्रोगेट किया है। एब्रोगेट और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो सस्पेंड का इस्तेमाल किया कि जो सस्पेंड करेगा उस पर हाई ट्रीजन की सजा होगी, उम्र कैद या 5 साल। मैंने तो एब्रोगेट किया है, तो बच निकला बंदा। हमने अमेंडमेंट करके उसमें चेंजेस कर दिए कि आज के बाद जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करेगा या एंड एब्रोगेट करेगा उस पे क्या होगी, उस पे हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 अप्लाई होगा और उसे 5 साल या उम्र कैद की सजा होगी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए, ठीक है भाई चेंजेस हो गए, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो गए। मुशर्रफ साहब ने जब मार्शल लॉ लगाई और वो कोर्ट चला गया तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि मोहतरम आप पे तो आर्टिकल 6 अप्लाई होता है क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर दिया है। उन्होंने बोला जज साहब आप जरा पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन को, वहां पे लिखा है कि जो बंदा सस्पेंड करेगा जो एब्रोगेट करेगा उस पे आर्टिकल 6 अप्लाई होगा गद्दारी का और उसको 5 साल या उम्र कैद की सजा होगी। मैंने तो सस्पेंड ही नहीं किया है, मैंने तो एब्रोगेट ही नहीं किया है, मैंने हेल्ड एंड एबेंस किया है। कितने चालाक है। जज साहब ने मुशर्रफ के हक में फैसला दिया कि भाई हेल्ड इन एबेंस है। हम भी बड़े चालाक है, हमें गुस्सा आया, हमने कहा अभी देखेंगे भाई, अब तुम लोगों की जो बदमाशियां है ना ये आगे नहीं चलेगी। हमने उनके साथ बड़े मजे का काम किया, हमने 18th अमेंडमेंट में बड़े मजे के स्टेप्स लिए। आर्टिकल 6 में हमने अमेंडमेंट की किया कि जो बंदा सस्पेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बंदा एब्रोगेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बंदा हेल्ड इन एबेंस करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो बंदा इस इन कामों में एक डिक्टेटर का हेल्प करेगा, और जो बंदा उसके इस एक्ट को लीगलाइज करेगा मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उन सब पे आर्टिकल 6 अप्लाई होगा और सब को 5 साल या उम्र कैद की सजा होगी। ए कर लो आप, फौजियों है भी हिम्मत करने की, करो आप। आई समझ आप उन लोगों को। एनी हाउ हमने भी टापा लगा दिया कि आप तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना। तो अब फौजी ने क्या काम शुरू किया पता है, इनडायरेक्टली आके अपना कभी क्या करते कभी क्या करते। एनी हाउ ये क्लास के बाद क्लास में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरा एक दोस्त है SSG में है, कैप्टन है, उसने मुझे एक दफा फोन किया, मुझे बोला कि फैसल मेरा बड़ा पक्का यार है, तो मुझे बोला कि फैसल तू बकवास करता है ना क्लास में, इसको बंद कर, मैं नहीं बचाने आऊंगा। मेरे को तुम्हें कैसे पता है, पता है कि बस नजर है हमारी। तो मैंने कहा ठीक है यार बस सही है, हम क्या कर सकते, क्या 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 कह सकते हैं। लेकिन भाई किस किस की जुबान बंद करोगे, वो हबीब जाली साहब कहते हैं ना कि हम नहीं मानते ऐसे दस्तूर को, किसी को वो आता है हबीब जाली साहब के जो वो है, हम नहीं मानते ऐसे दस्तूर को, सुभाई बेनूर को, किसी को पता, ऐसे निकम्मे मेरे क्लास में बैठे हुए हैं ना जिनको कख नहीं आता। लग लग ना चटोल राशि के ना खाना।
यहाँ तक सबको समझ आ गया है ना? तैमूर खाना क्लास की में यार, क्लास की में हाँ बोला था रिंग को जो क्लास में कब लगो। ठीक है वो गालिब सॉरी जालिब साहब कहते हैं ना कि दीप जिसका मोहल्लात में है जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर वो जो साये में हर मुसलहत के लिए, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, वो भी खाइफ नहीं तख्तदार से, मैं भी मंसूर हूं के दो अगियार से, क्यों डराते हो जंदान की दीवार से, जुल्म की बात को जहिल की रात को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस कुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता। तुमने लौटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसून, चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। आई समझ आप? एनी हाउ ये किसने लिखा मुझे? अच्छा हाँ गुड, बड़े अच्छा गुड। साहिलीन और सुंदर सैफ और हाँ इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। बाकी एक नंबर के, बाकी 13 नंबर के, आप लोग 13 नंबर के निकम्मे हो, 13 नंबर के, 1 नंबर के नहीं। एनी हाउ हमने एक और चेंज भी किया, अर्गसेस में हमने चेंजेस किए। हाँ बड़े मजे के किए। ठीक है हमने कहा आ जाओ अभी करो। हाँ सिमरीन ने किया, थैंक यू। अच्छा एक और हमने भी, मैं बड़े मजे का भी कहानी सुनाने लगा। मैं आपको कहानी ऐसे क्यों सुनाता हूँ पता है, ताकि आपको टॉपिक की समझ आ जाए। जो हमारे जजेस होते थे ना जजेस, उनका भी चेंज कर दिया गया भाई। फिर हेडिंग लिखो स्पेशल जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री। थैंक यू यार, मरे मरे खराब आ रहे। अच्छा स्पेशल जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर द नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जजेस फॉर द नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जजेस। अच्छा मजे की बात सुनो आप सब लोग, पता है हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको ना। अच्छा ये आर्टिकल 175 है ठीक है, जब सीएसएस दे दो ना मुझे फिर कॉन्टेक्ट जरूर करना, मैं कुछ किताबें आपको बताऊंगा, जरूर पढ़ना मजा आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा हुआ क्या था कि स्पेशल जुडिशियल पार्लियामेंट्री कमीशन होगा जजेस को अपॉइंट करने का। आप अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं ना 1947 से लेकर 1996 तक,
भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता था ना, चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का, वो लगाता था एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? ठीक है। अच्छा, हमीद मीर साहब ने किताब लिखा है, किताब का नाम मैं भूल जाता हूं, बड़े मजे की बात हमीद मीर साहब ने लिखी है किताब में। उन्होंने लिखा है कि एक दफा एक सेनेटर थे जिन्होंने जियाउल हक साहब को बोला कि भाई मेरा भाई को ना आप जज लगा दो, क्या करो, जज लगा दो जज। जियाउल हक साहब ने उसके भाई को हाई कोर्ट का जस्टिस लगा दिया, हाई कोर्ट का, क्योंकि पावर तो उस वक्त प्रेसिडेंट के पास थे, वो प्रेसिडेंट था, एग्जेक्टिव उस वक्त प्रेसिडेंट था। तो मजे की बात सुनो, जब उनसे पूछा गया कि भाई, वो सेनेटर ने कहा कि भाई ने तो मैंने तो कहा था कि कोई सेशन गया आप सिविल कोर्ट का लगा लो, तो जियालुक साहब ने कहा अच्छा सेशन है और सिविल कोर्ट्स भी होते हैं, हमारा ये फौजियों ने ना हमारा मुल्क खा लिया, इनको कख नहीं पता। यार अब एक बंदा जब एग्जेक्टिव है आपका, आप एक पूरे मुल्क का एक एग्जेक्टिव हो, आपको ये नहीं पता कि सेशन कोर्ट भी होता है सिविल कोर्ट भी होता है, तो ये हमारा पुरसानी हाल था हमारे पाकिस्तान का, कैसे ठीक होता यार। अच्छा, 1996 में फिर चेंजेस किया गया और 2010 तक मामला ये था कि जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगाता था जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस होता था ना, जब वो रिटायर होता होने जा रहा होता था, वो अपने जानशीन को लगाता था, उसके पीछे जो होता था ना वो अपने एक जज मुकरर करता था, मसलन मैं चीफ जस्टिस हूं सुप्रीम कोर्ट का, अभी मैं जा रहा हूं तो मैं अपनी मर्जी से ना एक बंदे को उठा के वो को जज लगाऊं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी उठाओ, ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट का ही जस्टिस होगा या हाई कोर्ट का ही जस्टिस होगा, लेकिन अपनी मर्जी से ना चीफ जस्टिस उसको लगाता था। इसमें ही बड़े इरेगुलरिटीज होते थे, और जब ये 13th अमेंडमेंट हुआ ना, हमने भी कहा कि भाई हम भी करेंगे अब काम तुम्हारा ठीक। ठीक है। अच्छा, 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ, बड़े मजे की बात हुई, मजे की बात क्या हुई, कि सबसे पहले बनेगा एक जुडिशियल कमीशन। क्या बनेगा, जुडिशियल कमीशन। ठीक है। अच्छा, जुडिशियल कमीशन में एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दूसरा होगा चार मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक होगा फार्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस फार्मर जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा। ठीक है। फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा, फेडरल मिनिस्टर जो लॉ एंड जस्टिस का होगा उस टाइम होगा वही होगा। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा, और सीनियर एडवोकेट बाय पाकिस्तान बार काउंसिल, सीनियर एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, ये कहोगी कमेटी जिसको बोले जुडिशियल कमीशन। ये लोग क्या करेंगे पता है, ये लोग करेंगे, किसी को पता है कि कितने लोग, कितने बंदों का लिस्ट आगे करेगा, एनीबॉडी? तीन किसने कहा, छह होगा भाई, छह छह किसने कहा है,
वेरी गुड, नौशीरवान साहब वेरी गुड। ये लोग करेंगे 6 लोगों का लिस्ट आगे जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, कि इन 6 सीनियर मोस्ट जजेस में आप एक जज अपॉइंट करो। ये लिस्ट किसको दी जाएगी? ये लिस्ट दी जाएगी, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, आप पीछे देखो, कि एक जुडिशियल कमीशन बनेगा एंड पार्लियामेंट्री कमीशन बनेगा या पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। जुडिशियल कमीशन तो ये है, ये वाला, तो 6 बंदों का लिस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को दी जाएगी कि भाई कर लो अपॉइंट एक बंदे को। अच्छा, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में लोग कितने लोग होंगे पता है आपको? 8 लोग होंगे। कितने? 8 लोग। और ये 8 लोग, इनमें से 4 जो होंगे, ये मैं अगले पेज पे लिखता हूं आपको सही समझ आ जाए, ठीक है? ठीक है, इनमें होंगे 8 लोग। इन 8 में से शाबाश साहिलीन खटक, अच्छा 4, और 4 लोग होंगे नेशनल असेंबली से, 4 मेंबर्स होंगे सेनेट से। ये 4 में से फिर 2 लोग जो हुकूमत के होंगे, 2 मेंबर्स जो अपोजिशन के होंगे। इन 4 में भी सी 2 हुकूमत के, 2 अपोजिशन के। कितना मजे का बैलेंस बनाया, देखो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है भाई, कोई शे कोई चीज कोई गवर्नमेंट इसके करीब नहीं जाता। अच्छा, अब ये 8 लोग मिलकर इन 6 जजेस में से, अब ये भी नहीं है कि अपना एक फेवरेट उठाएंगे, भाई ये मेरा फेवरेट है इसको कर, नहीं, इन 6 जजेस में जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको अपॉइंट करेंगे। अच्छा, अब अगर एक बंदा डिसएग्री करता है सबसे सीनियर मोस्ट जजेस को, जज को, तो वो कैसे करेगा? उसके अगेंस्ट कम से कम 6 वोट जाने चाहिए। इन 8 में से 6 वोट उसके अगेंस्ट जाने चाहिए, तभी उसको नहीं लगाएंगे, वो ना लगाएंगे, यही बनेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा मजे का उन्होंने एक तरीकाकार सामने लाया और बड़ा मजा आ गया इसको देख के। ठीक है, अच्छा, तो आई थिंक यहीं तक आपका था 18th अमेंडमेंट। कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें कुछ चीजें मैंने पढ़ाई थी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, सब्र करो, इस पे क्रिटिकल एनालिसिस तो अभी बचता है ना। किधर जा रहे हो? क्रिटिकली भी तो देखते हैं ना कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, वैसे आप सबको समझ आ रहा है मैं ऐसे यहाँ पे जो है ना अपना गला खराब कर रहा हूँ? गला ऑलरेडी मेरा बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। आसफा, आयशा, बिलाल, कमरान, फजीलत, जवीरिया, खुशबू, मुदस्सिर, हारिस, नौशरवान, नजम, रुमेसा, साहिलीन, सिमरीन, साकिबुल्ला, शानजे, सुंदस, तलत, सब बताओ, शाबाश। या मैं ऐसे जो है ना अपना अच्छा, गुड 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 गुड, सब कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ ज्यादा ही समझ आ रहा है। ये एजी नहीं है, एजी है सर, ये तुम्हारा सर तुम्हें एजी बना के दे रहा है। पढ़ो किसी से 18th अमेंडमेंट, किसी को कुछ कक समझ नहीं है कि 18th अमेंडमेंट होता क्या है। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। एनी हाउ, आकाश को समझ आ रहा है कि नहीं? तुम्हारे साथ आकाश बैठा हुआ है कमरान के नहीं? एनी हाउ,
ये मुझे मेरे इलम में नहीं है नौशरवान, ये बात मेरे इलम में नहीं है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा इनके पॉजिटिव चीजें देखते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस इसके करते हैं। यार देखो, सबसे पहला रूल बैक अनडेमोक्रेटिक चेंजेस, रूल बैक अनडेमोक्रेटिक चेंजेस, जैसे आर्टिकल 6 की मैंने बात की, मोर ऑटोनमी टू प्रोविंसेस दिया गया कि नहीं, इसमें लिखो बेतहाशा पॉइंट लिखो, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द अपॉइंटमेंट मेकिंग प्रोसेस, अपॉइंटमेंट मेकिंग प्रोसेस को कितना इंस्टीट्यूशनलाइज किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस वाला। अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हुआ कि नहीं हुआ, ये इनके कुछ पॉजिटिव चीजें थी। अब नेगेटिव तरफ आते हैं, थोड़ा हम क्रिटिसिज्म भी तो करते हैं ना, पाकिस्तानी है ना, थोड़ा चीज को हम जब तक हम इसमें कीड़े ना निकले मजा थोड़ी आते, थोड़ा कीड़े भी निकालते हैं उसे। डिवोल्यूशन ऑफ पावर इज कॉस्मेटिक, ये मैं उस कॉस्मेटिक की बात नहीं कर। अच्छा यहां से मुझे बात आ जाती है, कितने मजे का लफ्ज है ना, डिवोल्यूशन ऑफ पावर इज कॉस्मेटिक, अरे कॉस्मेटिक ही तो है, रियल में थोड़ी है। कैसे, जब मेकअप करते हैं ना, मैं लड़कियों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जो बंदा मेकअप करता है ठीक है, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, कॉस्मेटिक यूज बंदा करता है या बंदे करते हैं तो रियल तो नहीं होता ना, कॉस्मेटिक से ही खुद को पता नहीं एक चेहरे से भी दूसरा चेहरा बना के पाउडर लेके घूम लेके घूमते। तो इसी तरह जो पावर डिवॉल्व हुए है ना वो कॉस्मेटिक है ठीक है। कैसे, जब मैं आपको लोकल गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक होगा, इस टॉपिक की डायरेक्ट बात, वहां पे आपको पता चलेगा भाई कि जो लोकल गवर्नमेंट बना है ना ये बिल्कुल ऐसे हमारे साथ धोखा हुआ है ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ना बाद में हजम करते हैं। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस जो रिक्रूटमेंट है ना, रिक्रूटमेंट इज नॉट इक्वल ठीक है फॉर प्रोविंसेस। आर्म फोर्सेस का मतलब यूं समझ लो कि भाई आपके एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री आर्मी, इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो इक्वल नहीं होता प्रोविंसेस से, ये इक्वल होना चाहिए ठीक है। पंजाब और केपी के लोग बहुत ज्यादा भर्ती होते हैं, बलूचिस्तान और सिंध गर के तबाह है ठीक है, इसकी बात होनी चाहिए थी 18th अमेंडमेंट में। तीसरा, पावर एक्सटेंडेड टू पार्टी लीडर, इज अनडेमोक्रेटिक। कैसे, आर्टिकल 63A में पार्टी लीडर के पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो अपने ही मेंबर को डिसक्वालीफाई करे अगर वो उसकी बात ना माने ठीक है। मसलन पीटीआई का लीडर है इमरान खान साहब, मसलन मैं तो अभी मानता हूं है,
इस बंदे को, इसका अगर कोई MNA है या MPA है उसकी बात नहीं मानता है तो इसको डिसक्वालीफाई कर सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट से या प्रोविंशियल असेंबली से। अच्छा, ये आर्टिकल 63A के अंडर होता है जो नहीं होना चाहिए। चौथा, क्रिटिसिज्म। आप भी कुछ बताओ ना, कौन सा क्रिटिसिज्म बनता है आगे? कोई है कोई ऐसा कि बंदा बोले कि भाई सर मुझे भी पता है, मुझे भी कुछ चीजें इस पे आते हैं? है ऐसा कोई जवान या सनफी आहन? अच्छा ठीक है, सही है। चलो मैं एक दो और बताता हूँ, फिर आपको मैं मौका देता हूँ। ओवरलैपिंग, जुरिसडिक्शन ऑफ सेंटर इन प्रोविंस, लीड टू कंफ्यूजन। ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंटर एंड प्रोविंस लीड टू कंफ्यूजन, कैसे? जो लेबर लॉज है ना, लेबर लॉज और जो एजुकेशन है उस पे भाई सेंटर अपना लॉ बनाता है और प्रोविंस अपना लॉ बनाता है, कैसे, हाउ? आपको पता होगा पिछले दिनों सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस किया था इमरान खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने। अब ये तो और कहां था कि ये सारे सूबों पर ये इम्प्लीमेंट होगा। चौन की एजुकेशन जो है ये सब्जेक्ट है प्रोविंस का कि प्रोविंस इस पे लॉ बना सकता है। और इस्लामाबाद ने कहा, सेंटर ने कहा कि ये सारे सूबे इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ पंजाब में इम्प्लीमेंट हुआ है, बाकी तो ना केपी मान रहा था, ना सिंध मान रहा था, ना बलूचिस्तान मान रहा था। तो ओवरलैपिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है कि भाई करे तो क्या करे, ठीक है ना, बात नहीं मान रहे थे। तो क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पांचवा क्रिटिसिज्म इस पे हम ये कर सकते हैं कि भाई सेंट्रलाइज्ड सिविल सर्विसेज, सेंट्रलाइज्ड, मुझे पता है कि ना सुन मेरा टाइम खबी को फिम खा, सेंट्रलाइज्ड सिविल सर्विस कैसे? अब चौन की पुलिस जो है, बताओ पुलिस किसका डोमेन है, प्रोविंसेस का या सेंटर का? बताओ, शाबाश। क्या बाश कामरान, प्रोविंसेस का है, सेंटर का नहीं है, ठीक है। पुलिस डोमेन है भाई प्रोविंसेस का, तो फिर पीएसपी क्यों है? पुलिस सर्विस में पीएसपी क्यों बनते हैं? आपने उधर पीएसपी भी बना रहे हैं और यहां पे आप जो है पुलिस की जो डिपार्टमेंट है आपने वो प्रोविंसेस को भी दिए दिए हैं। ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म इस पे आता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्रिटिसिज्म किए, और बाकी एक और भी है, लिख देता हूं कि फिस्कल डिफिसिट का शिकार हो गया है सेंटर, फिस्कल डिफिसिट का शिकार हो गया है सेंटर, आखिरी पॉइंट है, ठीक है। कैसे यार, देखो सीधी सीधी बात है, आप अगर 42.5% दे रहे हो सेंटर को, 57.5 दे रहे हो प्रोविंसेस को, यार 42% में
सेंटर क्या क्या करेगा, आर्मी को भी फंड देगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी करेगा, प्लस डेट सर्विसिंग भी करेगा, कश्मीर को भी पैसे देगा, गिलगित को भी देगा, क्या क्या करेगा यार। इसी वजह से जो सेंटर है ना इस्लामाबाद, वो फिस्कल डिफिसिट का शिकार हुआ है। मेरे पास क्या कहते हो उसे, करंट मेरे पास वो तो नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं है, लेकिन आपको इतना बोल सकता हूं कि भाई 5% 2019 में 5% फिस्कल डेफिसिट का शिकार था, 18 में 4.9% था, 17 में 3.8% था, बाकी आप अपने 23 का अपडेट मुझे भी बता दे, मेरे बिल में इजाफा हो जाएगा, फिर मैंने देखे नहीं है तो ठीक है। अच्छा, इस पे हम एक और क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं कि एथनिक फोर्सेस जो है ना, नेशनलिस्ट एंड एथनिक फोर्सेस, वो भी स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, नेशनलिस्ट एंड एथनिक फोर्सेस वो भी स्ट्रांग हो चुके हैं। कैसे, जाग पंजाबी, जाग अजीम अजीम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगाने वाले कौन, जरा गरेवा में जान के तखरीब कार हम खुद हैं। मैंने एक स्पीच किया था, तो उसमें ये नेशनलिस्टिक का एक था, बहुत पुरानी जमाने की बात है जब हम स्कूल में हुआ करते थे, तो मैंने एक स्पीच किया था कि अभी मुझे याद है कि वो कहते हैं कि बंदूक उठती है नहीं, परिंदे किसकी मदद को आए, कंकर किस पे गिराए, जब बंदूक उठती है, गोली चलती है, तो गोली चलाने वाले के मुंह से आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली जिस्म के आर पार होती है, तो मरने वाले के मुंह से आवाज आती, सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल कहलाए गाजी मकतूल शहीद, तो परिंदे किसके मदद को आए, कातिल की या मकतूल की, गाजी की या शहीद की। अब पुराने जमाने की बातें होती थी, हम स्पीच किया करते थे स्कूल में। तो ये जो है ना नेशनलिस्टिक एंड एथनिक फोर्सेस, और उसमें एक वो भी था मेरा, एक उसमें एक सेगमेंट ये भी था कि जाग जाग पंजाबी, जाग अजीम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगाने वाले कौन, गरिबा में जान के तखरीब कार हम खुद है। ठीक है, तो यहीं तक था, 8 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए इसके क्रिटिकल एनालिसिस में, और 3 4 मैंने इसमें पॉजिटिव ही बताए थे आपको। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है से पूछ सकते हैं प्लीज, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो समझ आ गया है सबको। तो भाई किधर हो, तलत को समझ नहीं आई, वो तलत खुद बोल देगी ना। तलत देखो तुम्हारे पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, और पता है कि कौन कर रहा है क्रिटिसिज्म, हाँ सही पहचाना, तुम्हारा दुश्मन एक ही है पूरी क्लास में। अच्छा ठीक है यार, आपका बड़ा शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा आभारी हूँ। ठीक है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं नहीं, 13 नंबर नहीं है तलब, 113 नंबर है, 113 नंबर है ये बंदा। ठीक है, नहीं हो मिलते हैं, मेरे दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत ठीक हो जाए, और फिर होती ही रहेगी ये बातें, और ये
कोई गजल शजल सुना सकता है, कोई शेर वेर सुना सकता है तो मैं इसका ऑन कर दूं, फिर क्लास खत्म करते अच्छे नोट पे। लेकिन कामरान जैसा नहीं, कामरान जो है ना इसका पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं, उनके पास